वेलकम टू द शो आपको तो मालूम है कि आजकल सिंगर से ज्यादा सिंगर का एक दोस्त होता है जो कि डर्माटोलॉजिस्ट होता है जिसका काम होता है कि खूबसूरत चेहरों पे डिंपल बनाना तो ये डिंपल जो है नेचुरल ब्यूटी के हैं या किसी डॉक्टर हारून नवी मलिक टाइप के बंदे के वैसे बट जी अगर ऐसा होता ना तो मैं कब के डिंपल बनवा चुकी होती आ, देखा ये डॉक्टर को जाना पैना तू इधर मुकर मैं थोड़ी नाल बनाना <laughs> नहीं मगर डिंपल तो अब हो जाते हैं आराम से बन जाते हैं कोई नहीं वो अच्छा उन डिम्पल्स में और नॉर्मल जो नेचुरल डिम्पल होते हैं उनमें फर्क ये होता है कि जो बनाए जाते हैं ना वो ऐसे ही रह जाते हैं वो अंदर ही रह जाते हैं वो बाहर नहीं ऐसे नॉर्मल जैसे हम बैठे हैं है, तो ऐसा नहीं होगा अंदर का अंदर ही घुसा रहेगा भाई देखिए ये जो है डिंपल ये बारिश में ठीक हो जाते हैं मगर वो वाले डिंपल जो है ना उनमें बारिश में पानी आ जाता है सही बात है वो खड्डे होते हैं बेसिकली वो खड्डे होते हैं तो ये नेचुरल डिम्पल हैं मैं इसलिए कह रहा हूं आपकी वीडियो के नीचे ना अक्सर लोगों ने लिखा होता है ये डिंपल असल हैं कि नकल हैं तो मैंने कहा अच्छा, क्यों ना पहला सवाल ही हुँ? मैं लोगों को क्लियर कर दूं यहाँ पे कि ये हमारे जेनेटिक्स में खानदानी चलते आ रहे हैं यानी अगर आपको डिंपल फैमिली कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं, नहीं, नहीं हाँ, गलत नहीं आएगा अच्छा भाई डिंपल के आगे भी बात करते हैं ये सिंपल सा गाना जो डिंपल आपने गाया है ये माहिया वे ये माहिया वे फिफ्टी मिलियन व्यूज फिफ्टी मिलियन तालियां भाई मजे की बात है हर बंदा सिर्फ ही सवाल जानना चाह रहा है ये गाना नसीम विकी ने लिखा था या जुनेद सलीम ने लिखा <laughs> <laughs> अच्छा ये गाना ना विकी साहब ने लिखा था ना जुनेद सलीम साहब ने लिखा था बेसिकली ये गाना हमने एक बुक से लिया था जो कि जुनेद सलीम साहब ने ही बुक वो अक्सर वो बहुत रीडिंग करते हैं शेर वाइस तो वो गाना ऑलरेडी था उसमें लेकिन वो छोटा था तो उसमें तो आप कह रहे हैं कि जुनेद सलीम साहब की कंट्रीब्यूशन थी लिखने में नहीं मैं दोनों की थी विक्की साहब की भी थी जुनेद साहब भी भी की नहीं। क्या भाई बुक जुनेद ने दी है विक्की ने बुक ने आप पर... मेरी बात पूरी सुने बुक में से हमने गाना लिया आ, लेकिन वो गाना किसने लिया जुनेद साहब ने तो जुनेद के वन पॉइंट तो जुनेद साहब ने लिया और जुनेद ने जब वो लिया तो वो गाना छोटा था तो उसको लंबा करना था हमने मतलब तो विकी भाई ने किताब खींची क्या लंबा नहीं नहीं फिर हम सेट पे बैठ के हम लोगों ने डिस्कशन किया की अभी ये गाना छोटा है तो इसको फिर विकी साहब ने भी एक अंतरा बनाया दो लाइनों का फिर जुनेद साहब ने भी दो लाइनों की एक अंतरा बनाया तो ये इस तरह ये खिचपिच मच ये सबका दो है इसके राइटर दो है बेसिकली बेसिकली असल में छापा हाँ। किताब का है जिसके अंदर हाँ, एक लाइन थी आ, तेरे नादा इन सजना मेरी माँ हद्दी चावर ये जुनेद साहब ने लिखी थी जुनेद साहब ने और विकी साहब ने क्योंकि आगे भी दोनों ने मिक्स करके क्योंकि जुनेद साहब अपने आइडियाज देते थे तो बैठकर डिस्कस कर होते थे इस पर क्या बनाए आगे को लाइन बन जाए तो जुनेद साहब चाह रहे थे कि इसमें माँ दे हाथ दी चाह कुछ आना चाहिए तो जी जुनेद साहब ने आ, किया था कि कुछ आना है तो मैं विकी साहब ने भी अंदर आया असल बात समरी ये है कि जो चीज़ हिट होनी होती है वो हो ही जाती है निमरा जी नहीं और... तो स्टार्ट वाली शायरी देखो तू तो सुबह दी पाक हवा वर्गा लगना है वर्गा <laughs>

और देशबुक वालों ने ही गाना बनाया था उनकी टीम का था तो ये उन्होंने तो हाँ, अच्छा, तो तो <laughs> क्यूँकी अब काम ज्यादा था तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी तो मैंने से बात की कि कि सर मुझे तो ये भी आपका है ये तो मेरा खुशबू लगा के मेरा पहला घर तो यही था पुराना ना वो तो नया घर हुआ था बाद में तो भाई जान देखिये ये हर जगह घर बनाया हुआ इन्होंने लड़कियों हाँ। का कोई एक घर नहीं होता इस <laughs> चैनल में भी होती है कोई ना कोई सीनियर कह रहा होता है ये तू अगले घर चली <laughs> तो इस घर चो तेरी डोली चली अगले चो रेटिंग आनी चाहिए थी। <laughs> <laughs> जब बड़े लोगों को नहीं मालूम कि आपके अंदर एक अदाकारा भी है एक एक्टिंग का कीड़ा भी आपको बहुत है अभी तक किसी ड्रामे में आप रजिस्टर नहीं हो पाई मैं बड़ा हैरान हूँ हालांकि है, है, तो मुझे ऑफर आई अभी जब मेरा गाना भी वायरल हुआ उसके बाद भी आई बट मैंने भी खुद इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं अपने गाने में भी मेरा नाम अच्छा बन रहा है तो मुझे भी इस पर फोकस करना चाहिए लेकिन आप दो रास्तों पर दो कश्ती के सवार वाली बात हो जाएगी ना

लॉन्च कर करना, तो करना चाहूंगी बिलाल बिलाल क्यूट है बहुत अच्छे हैं। वाँ 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 वाँ। उसके भी डिम्पल है मगर उसकी दाढ़ी बहुत फिलहाल नजर आया ना मैंने छुपा की निकली है तो नहीं नजर आया बिलाल के सामने आपको क्या कैसी बातें कर रहे हैं? आज कल अगर किसी सिंगर ने होना है गाना हो है? तो आप हिट हो तो लोग नोटिस होते हैं तो उस स्टूडियो ने आपको बुलाया नहीं अभी तक गाने गाने के लिए नहीं उस स्टूडियो के कुछ अपनी अपना क्राइटेरिया है पे शायद मैं पूरा नहीं उतरती उनको लगता है कि हमारी मर्जी से होगा जो होगा

ज़रूर आपसे कहेंगे कि गुनगुना दें क्योंकि जिन्होंने सुनना है वो सुन रहे हैं उनको अगर आपने डेडिकेट करना है तो कर दें हाँ ठीक है थी। <laughs> थी। देते? कर देते हैं कर दें तो अपना गाने गा का देते तो हैं अनप्लग गाते हैं तो मेरे हमारे जो बहुत अच्छे महान जो कि हर हम मेरे साथ बहुत शोज में इन्होंने गाया भी है साथ परफॉर्म किया तो इनके साथ हम थोड़ा सा गाएंगे बेशक बेशक मैं <laughs> तेनु समझावा की

हो मैं तुम्हें समझाव कि मैं छोटी जी ब्रेक लेनी ब्रेक के बाद मैं इतें ही हाजिर होगा वेख दे पे हो माइंड ना करना विक <laughs>